Hello everyone, I am Pratim Tiwari. I appeared in the CUET 2023 examinations and I scored a 100 percentile. I am currently pursuing my BCom honors at the Sri Ram College of Commerce and आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने मॉक्स को कैसे इफेक्टिवली स्ट्रेटेजाइज करके यूज़ करना है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकें। सो फर्स्ट थिंग, हम इस वीडियो को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट पार्ट वुड भी कि आपका कितना परसेंट सिलेबस खत्म होना चाहिए सो दैट यू कैन अटेम्प्ट अ फुल सेट मॉक। सेकेंड पार्ट वुड भी कि आपको मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है एंड थर्ड पार्ट वुड भी कि आपको एटलीस्ट कितने मॉक्स देने हैं पर सब्जेक्ट। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपका एक फुल सेट मॉक्स 100% सिलेबस से बनता है एंड उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने एटलीस्ट 80% सिलेबस, हाँ जी 80% सिलेबस भी ख़त्म नहीं करा है तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे क्योंकि आपकी प्रिपरेशन है छोटी और आपके क्वेश्चंस हैं बड़े। तो आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो आप गलतियाँ करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा एंड आप एक अच्छे माइंडसेट से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एटलीस्ट 80% सिलेबस तो ख़त्म करिए ही करिए, तभी आप उसके बाद मॉक्स पे अटेम्प्ट करने के लिए बैठिए। सो सेकंड पार्ट वुड भी कि अब आपको मॉक्स कर तो लिए बट आपको एनालाइज कैसे करना है उनको। तो आपको एनालाइज करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, आप हर क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हैं, कौन से कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से कंसेप्ट आपके वीक हैं। इन चार कैटेगरीज़ में आपको एनालाइज करना है अपने मॉक्स को, क्योंकि अगर आप मॉक्स को एनालाइज नहीं करेंगे और आप मॉक्स करते जाएंगे तो आप सेम गलतियाँ करेंगे। एंड इट इज़ वेरी राइटली सेड दैट मेक ओरिजिनल मिस्टेक्स। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं एंड आपको उन गलतियों को दोहराना नहीं है, क्योंकि आप गलतियाँ दोहराएंगे तो आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाएगी एंड आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की एक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मॉक्स को करते जाएंगे एंड आपका स्कोर अपने आप अच्छा होता जाएगा, आप गलतियाँ कम करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा एंड जब आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो आप ज़रूर अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसीलिए एनालाइज करना मॉक्स को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इट इज़ वेरी राइटली सेड दैट एनालाइजिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अटेम्प्टिंग द मॉक्स। ओके, सो नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कितने मॉक्स करने चाहिए पर सब्जेक्ट। तो एटलीस्ट इन माय पर्सनल रिकमेंडेशन एटलीस्ट 10 मॉक्स पर सब्जेक्ट इज़ व्हाट आई डिड इन माई CUET टाइम। सो आई वुड अर्ज एवरी वन ऑफ यू कि आप भी एटलीस्ट 10 मॉक्स को अटेम्प्ट करिए। आप ऐसा करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की हैबिट पड़ेगी, आपको पता चलेगा कि CUET में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एंड आपको ये भी पता चलेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, आप कितना टाइम लगा रहे हैं एंड आप कहीं ना कहीं अपना इम्प्रूवमेंट का स्कोप ऊपर ही लेकर के जाएंगे, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड आप कम गलतियाँ करेंगे। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक एडिशनल और एक बोनस टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा कि मॉक्स से कभी डरिएगा मत, गलतियाँ करिए, क्योंकि मैंने भी गलतियाँ करी थी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। हम गलतियाँ करने से डरते हैं बट गलतियाँ करना एक ह्यूमन नेचर है। टू एरर इज़ टू ह्यूमन, सो एरर्स करना हमारा एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है एंड हमें उससे डरना नहीं चाहिए। इट्स जस्ट कि हम उस एरर्स को रिपीट ना करें, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। एंड ये हम तभी सीखेंगे जब हम मॉक्स करेंगे। तो एटलीस्ट मॉक्स करिए, आप डरिए मत, क्वेश्चन करिए, मॉक्स करिए। जितने ज़्यादा मॉक्स आप कर सकते हैं उतने ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। मिनिमम नंबर मैंने आपको बता दिया है एंड मैक्सिमम तो आपकी अपनी श्रद्धा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET एग्जामिनेशंस एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।